You are watching Poonch Live. मेरा नाम तनवीर अहमद तांत्र। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो है यहाँ पर गेट पब्लिक स्कूल, जो यहाँ इकबाल नगर के अंदर पहले एक एकेडमी हुआ करती, अब यहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो इसी के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ तक हमने देखा यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, और साथ साथ में एक खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो है वो इस्लामिक सब्जेक्ट भी है यहाँ पर। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश ज़रूर रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन भाइयों की सपोर्ट की जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के टाइम में काफ़ी नौजवान जो हैं वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं या बाकी कामों की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ गिने चुने हुए नौजवान ऐसे होते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर की जो है चिंता किए हुए जो है कुछ ऐसे काम करते हैं जो आने वाला कल हमारा मुस्तकबिल हो वो बेहतर हो। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन भाइयों की सपोर्ट करें, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब ये बात होगी तो यहाँ पर इनसे रابطہ करें, जितने भी बच्चे यहाँ पर हो सकें, मुमकिन हो सके उतनी इनकी सपोर्ट की जाए। जी, मैं बशारत हुसैन सकाफ़ी, आज यहाँ सुरनकोट एयरफील्ड के करीब ये जो गौसिया पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, बाकायदा इसकी ओपनिंग हुई, इसी सिलसिले में यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत फंक्शन रखा गया था, जिसमें सुरनकोट और अतराफ के बहुत अच्छे और संजीदा और ज़िम्मेदार लोगों ने शिरकत की। मैं इस मौके पर आपके चैनल की विसादत से सबसे पहले सैयद सज्जाद गिलानी साहब को और सैयद मुसर्रत गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर इन्होंने ये स्कूल शुरू किया है, और एक बहुत नए विजन के साथ इन्होंने इस स्कूल को शुरू किया है, जहाँ बच्चों को बेसिक एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस एरिया की आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने किड्स की अच्छी और बेसिक और मॉडर्न एजुकेशन और अच्छी तालीम के लिए इस स्कूल का रुख करें, गौसिया पब्लिक स्कूल, जहाँ बच्चों को जो है वो तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर और ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जो है वो खुसूसी तवज्जो जो है यहाँ पे दी जाएगी। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जिस जगह पे ये स्कूल लोकेटेड है, यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं, और कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ बच्चों को किसी किस्म की कोई रिस्क हो या बच्चों को कोई ख़तरा हो, बल्कि ये एक पीसफुल जगह है, और रोड लिंक रोड जो है बिल्कुल इसके रोड के ऊपर इदारा जो है वो वाक़ है, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह सब हमने देखा बहुत अच्छा है। उसी सिलसिले में आज ये फंक्शन यहाँ पे रखा गया था, और गौसिया पब्लिक स्कूल सुरनकोट का इनॉग्रेशन यहाँ पे आज अमल में आया। मेरा नाम सैयद मुसर्रत हुसैन शाह, मैं इस गौसिया पब्लिक स्कूल का एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। सर, आज हमने गौसिया पब्लिक स्कूल का यहाँ पर इफ्तिताह किया, ओपनिंग की उसकी, तो इसके लिए हम जो भी यहाँ पर हमारे जो दोस्त थे, दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए,
हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने स्कूल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की और हमारे इस दावतनामे को कबूल किया। और हमने यहाँ इस स्कूल के अंदर एक अरबिक सब्जेक्ट भी इस बार लॉन्च किया है जो कि इस सुनकोट के खिता में अभी तक किसी स्कूल में नहीं था। तो ये एक बायस मसरत की बात है सब पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम एक नई एजुकेशन जो है एक नई तालीम की तरफ सब बच्चों को जो है वो आमादा करना चाहते हैं कि हमारे माशरे में जो एक दीनी कमी है थोड़ी हम चाहते हैं कि वो भी हमारे स्कूलों से ही उसका उजाला किया जाए और हमारे आने वाले बच्चे भी हर किस्म की जो है तालीम से यहाँ आरास्ता हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ गौसिया एकेडमी का स्कूल जो यहाँ कहीं ऑलरेडी था उसको यहाँ इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, इसलिए यहाँ आए थे तो इन्होंने बुलाया था। और जो हमने जो देखा यहाँ आके बहुत अच्छा स्कूल है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो मैं अपनी तरफ से लोगों को यही अपील करूँगा कि इस एकेडमी में अपने बच्चों को लाएँ और यहाँ तालीम का मैयार देखें तो बहुत ही अच्छा। एक तो ये शहर से बाहर है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ तक मुझे इसका इलम है अच्छा स्टाफ है। तो मैं फिर अपनी तरफ से लोगों से यही अपील करूँगा कि इस एकेडमी के साथ जितना तावन हो सके इतना करें।